तो गाइस मैंने खर्चे 10 लाख रुपए ताकि आप लोगों को ना खर्चने पड़े। तो जब मैं स्कूल में था ऑलमोस्ट 8th या 9th स्टैंडर्ड से मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था और मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्ट था म्यूजिक के अंदर। और उसके बाद जब मैं 12th में आया तो मैं चाहता था मैं म्यूजिक को ही अपना करियर बनाऊं, तो मैं डिग्री भी म्यूजिक के अंदर ही करना चाहता था। बट उस टाइम पे आज तक मुझे पता नहीं था कि म्यूजिक के अंदर भी ऐसा कोई डिग्री कोर्स होता है नहीं होता। तो मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को यूनिवर्सिटी रिकमेंड करी जहाँ पे ऑलरेडी खुद भी पढ़ रहे थे कि यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ पे 3 साल का ऑडियो इंजीनियरिंग का प्रोग्राम आता है जिसको आके परस्यू करना चाहते हो अगर एक डिग्री चाहिए ऑडियो के अंदर। तो मैं अपना दिल्ली से उठ के बैंगलोर गया और वहां पे मैंने लाइक 3 साल स्पेंड करे जिसके अंदर हमने म्यूजिक प्रोडक्शन मिक्सिंग मास्टरिंग ऑडियो इंजीनियरिंग के अंदर फिजिक्स साइकोकूस्टिक्स पता नहीं बहुत सारी चीजें पढ़ी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पॉजिटिव चीजें और नेगेटिव चीजें ताकि आप सोच समझ के चूज कर पाओ कि आपको ऑडियो इंजीनियरिंग करनी है या नहीं। तो जो सबसे पॉजिटिव चीज मेरे को लगी वो थी इट्स पॉसिबल टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ म्यूजिक। तो लाइक बहुत बार मेरे को कैसा रियलाइज होने लग जाता था जब मैं अपने लाइक घर के सोसाइटी फ्रेंड्स के साथ रहता था कि वो CA कर रहे हैं, वो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो मेरे अंदर भी एक बिलीव आ जाता था कि यार ये लोग यही परस्यू कर रहे हैं और यही एक तरीका है आगे फैमिली रन करने का, आगे पैसे कमाने का और अपने आगे लाइफ बनाने। ये आसपास जो हमें दिखती हैं चीजें हमें लाइक उसी में बिलीव होने लग जाता है कि यही पॉसिबल है। आप कभी सोचोगे भी नहीं कि अरे म्यूजिक से पैसे कमाया जाता है और काफी लोगों के लिए फिर वो बस एक हॉबी रह जाती है। और वहां पे मेरे कई टीचर्स भी थे वो इंडस्ट्री में काम करते थे तो एक ना बिलीव आ गया कि यार मैं भी कर सकता हूं, तो आपके अंदर एक बिलीव बन जाता है। बट अगर आप एक घर पे ही यूट्यूब से सीख रहे होते हो तो डेफिनेटली कई लोग क्रैक कर लेते हैं, कई लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये बिलीव भी लाना। तो ये एक बिलीव सिस्टम है जो आई गेस आप एक ऑडियो स्कूल जाते हो तो आपके अंदर एक आ जाता है इवेंचुअली, क्योंकि आपके आसपास के लोग भी चीजों पे काम करके एक लिविंग अर्न कर रहे होते हैं। तो बहुत बार हम YouTube पे ये तो सीख लेते हैं कि कॉर्ड्स कैसे लगाते हैं, मेलिडीज कैसे बनाते हैं, बट कभी भी आप गाना एक्सपोर्ट करते हो तो वहाँ पे लिखा होता है सैंपल रेट, और वो सैंपल रेट क्या होता है, वहाँ पे लिखा होता है बिट डेप्थ वो क्या होता है, डिथरिंग वो क्या होती है, बिट पर सेकंड, बाइट पर सेकंड, साउंड ट्रैवल कैसे करती है। तो इतनी सारी इनडेप्थ चीजें हैं ना जो कि आपको YouTube पे ढंग से कभी मिलेगी भी नहीं और आप कभी खुद भी ना देखने नहीं जाओगे इन सब चीजों को। आपको होगा कि मैं बढ़िया कॉर्ड बना लेता हूँ, बट क्योंकि आपको वहाँ सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं वो चीजें हेल्प करती हैं लाइक ग्रो करने में। कभी आप खुद का स्टूडियो सेटअप करना हो फिर किसी को करवाना हो तो यू That knowledge, जो आप उनको दे सकते हो। तो ये चीज मैं बोलूंगा कि अगर आप इन सब चीजों को YouTube से सीखने की कोशिश करते हो कंपेयर टू अगर आप एक मेंटोर हायर कर लेते हो या फिर एक डिग्री कोर्स कर लेते हो तो वहां से आपको काफी सारी चीजें नहीं पता लगने वाली है जो कि आप YouTube पे कभी सर्च ही नहीं करोगे क्योंकि आपको टर्म्स ही नहीं पता, बट वहां पे वो लोग आपको बताने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मेरे को फील हुआ है इन 3 साल के पीरियड में कि काफी इनडेप्थ चीजें सीखने को मिली। तो जो नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करने वाला हूँ वो लाइक मेरे लिए खुद के लिए बहुत फैसिनेटिंग था, वो ये है कि न्यू करियर ऑप्शंस। मुझे क्या लग रहा था बस बंदा जाता है वहाँ सीखता है म्यूजिक और म्यूजिक बनाता है और पैसे कमाता है। बाद में मुझे समझ आया कि वहाँ पे मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर्स भी होते हैं, रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग करते हैं और लाइक उनकी लिविंग उससे हो रही होती है। लाइव साउंड इंजीनियर्स होते हैं, लाइक लाइव साउंड इंजीनियर भी मिक्सिंग करते हैं बट जब भी बैंड परफॉर्म करता है, जब भी कोई लाइव शो होता है तो वहाँ पे म्यूजिक प्रोड्यूसर या फिर म्यूजिक प्रोडक्शन वाली टीम नहीं जाती, वहाँ पे लाइव साउंड इंजीनियर्स होते हैं जो कि ट्रैवल करते हैं उनके साथ और वो लाइव मिक्सिंग करते हैं। वो भी लाइक एक स्ट्रीम है एक म्यूजिक के अंदर ही। फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर भी लाइक होली अगर आप देखते हो कि मूवी के अंदर ड्रैगन चल रहा है तो वह अलग ऐसी क्रंची सी साउंड को जनरेट कर रहे हैं जिससे वो आ रही है, वो सारी की सारी साउंड्स को रिक्रिएट करा जाता है, साउंड डिजाइन बोलते हैं उसको। वो खुद में एक इतनी बड़ी स्पेस है कि लाइक वहां पे लोग लिविंग अर्न कर रहे होते हैं उन सब चीजों को करके क्योंकि वो पैशनेट है वो सब चीज करने में, साउंड को रिक्रिएट करने में। अकूस्टिक्स जैसे मैंने आपको बताया, मैं बहुत लोगों को जानता हूं, मेरे भी एक मेंटोर थे जो सिर्फ वो अकूस्टिक्स ही करते हैं। कभी भी अकूस्टिशियन हायर करना होता है किसी भी हॉल का या फिर स्टूडियो का, बड़े एक्सपेंसिव स्टूडियोज का, तो उन्हीं को बुलाया जाता है। और अकूस्टिक्स भी खुद में एक इंडस्ट्री है जहां पे लाइक आपके सिनेमा हॉल होते हैं, आपके म्यूजिक स्टूडियो होते हैं, आपके वीडियो स्टूडियो होते हैं, वहां पे उसके साउंड वहां पे कैसे काम करेगी उसके लिए अकूस्टिशियन को हायर करा जाता है। उसी खुद में एक स्टडी होती है जिसका थोड़ा सा पोर्शन ऑडियो इंजीनियरिंग में पढ़ाया भी जाता है और बताया भी जाता है। तो वहां पे ये एक बहुत ही क्रेजी चीज पता लगी कि सिर्फ म्यूजिक ही नहीं बनाना, बहुत सारी फील्ड्स हैं ऑडियो के अंदर ही। क्योंकि मैंने बताया ना वहां पे आप म्यूजिक प्रोडक्शन नहीं सीख रहे हो, म्यूजिक प्रोडक्शन तो वहां पे बस एक छोटा सा पार्ट है, वहां पे ऑडियो के अंदर कितनी सारी चीजें हम वो डिस्कवर और लर्न करते हैं। और उसके बाद डेफिनेटली किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप मास्टरी करना चाहते हो तो आप अगेन उसके अंदर मास्टर्स का कोर्स कर सकते हो। बिल्डिंग नेटवर्क एंड कनेक्शंस, तो अगेन अगर आप मान लो आप BBA के कॉलेज में हो, आप BBA पढ़ रहे हो या फिर आप BCA पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपके जो दोस्त आप म्यूजिक करना चाहते हो बट वो आपके दोस्त आसपास लगे हैं कि मेरे को जॉब करनी है BCA के अंदर, मैं इस कंपनी में जॉब कैसे कर सकता हूँ, तो हो सकता है वहाँ पे आपके आसपास के लोग वैसे वाइब भी ना कर रहे हो म्यूजिक के ऊपर, बट मे बी आप किसी म्यूजिक स्कूल जाओ 10 लोग हो, मे बी एक चाहता है कि यार मेरे को स्टूडियो में जॉब करनी है या फिर किसी को अपने खुद का म्यूजिक और प्रोडक्शन स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस को बनाना है, बट वहाँ पे जाके डेफिनेटली आपको 4-5 लोग मिल जाएंगे जो कि लिटरली कुछ
कुछ करना चाहते हैं म्यूजिक के अंदर, या फिर वो या तो सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, या फिर वो बिजनेस बनाना चाहते हैं, या फिर वो कुछ भी क्रेजी क्रिएट करना चाहते हैं कस्टमर के लिए, सर्विस के लिए, बट वहाँ पे जाके आपको चार पांच लोग तो डेफिनेटली मिल जाएंगे जो कि म्यूजिक के अंदर ही कुछ लाइक फोड़ना चाहते हैं, लाइक कुछ लिटरली काम करना चाहते हैं और डेफिनेटली उसे मनी अर्न करना चाहते हैं। और इनफैक्ट कार्तिक और मैं भी, लाइक कार्तिक मेरे कॉलेज का सीनियर है, तो हम लोग भी वहां से कनेक्ट हुए और आज बेस लीला को हमने बनाया। वो भी सिर्फ इसलिए था क्योंकि हम वहाँ पे दो बंदे थे जो कि ऑडियो की वजह से ही वहाँ पर थे और ऑडियो में ही फोड़ना चाहते थे, तो डेफिनेटली हम भी वहाँ मिले। वो एक नेटवर्क ही था। आज के टाइम में भी मैं कितने सारे लोगों को जानता हूँ ऑडियो के अंदर ही जो कि अपनी लिविंग और लिविंग से बेहतर अर्न कर रहे हैं और वो टच में आज भी मेरे से। तो ये सब चीजें इसलिए हुई क्योंकि मैं वहाँ पे गया पढ़ने और वहाँ पे ये सब चीजें मिली। तो ये एक ऐसी चीज है नेटवर्किंग, ये आप शायद ऑनलाइन यूट्यूब पे इतने ढंग से ना कर पाओ जितना आप फेस टू फेस उस बंदे के साथ बैठ के, फिर ऑनलाइन अगर आप कहीं क्लासेस पढ़ते हो वहाँ पे तो आप एक कनेक्शन बिल्ड करते हो। वो आपको यूट्यूब से नहीं होने वाला, कमेंट सेक्शन में कोई कनेक्शन खास बनता नहीं है। बनता है तो बहुत क्रेजी है, बना सकते हो, बट मैंने अभी तक होते हुए देखा नहीं या मेरे साथ पर्सनली ऐसे कभी हुआ नहीं। तो अब बात कर लेते हैं, ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स की बात होगी, डेफिनेटली अभी बहुत अच्छा लग रहा होगा, बट थोड़े नेगेटिव्स भी हैं। जो सबसे पहला एक नेगेटिव है कि बहुत लोग जिनसे मैं मिला था जो कॉलेज में आए थे, तो मुझे पहले से आइडिया था क्योंकि जो मेरा फ्रेंड था जो वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहा था उसने मुझे बता दिया था कि भाई ये सब नहीं होगा। बट वहाँ पे कई लोग आए थे कि यार मुझे तो आर्टिस्ट बनना है, मुझे तो बेस्ट गिटारिस्ट बनना है, मुझे तो यार गाने निकालने, व्यूज मारने। वहाँ पे आर्टिस्ट बनाना नहीं सिखाया जाता, वहाँ पे आपको पढ़ाई कराई जाती है, पढ़ा रहे हैं लिटरली। वो वहाँ पे एक क्रिएटिव स्कूल नहीं है, वो एक ऑडियो स्कूल है। तो वहाँ पे आपको लिटरली ऑडियो के लॉग कैसे काम करते हैं, साउंड कैसे काम करती है, फंडामेंटली वो सब पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे ये नहीं सिखाया जाएगा कि कैसे आप क्रिएटिव हो सकते हो, कैसे आप न्यू जॉनर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, कैसे आप अपने ब्रांड बना सकते हो, वो डेफिनेटली आपको वहाँ पर चीजें नहीं सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट, बहुत लोग ये अज्यूम करके आए थे वहाँ पे, इनफैक्ट मैं भी गया था अज्यूम करके कि मेरी ना प्रोडक्शन बढ़िया हो जाएगी। अब प्रोडक्शन वहाँ पे बढ़िया इसलिए हुई क्योंकि मैं हार्डवर्क दे रहा था, बट वहाँ पे ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जहाँ पे हमें इंटरमीडिएट से प्रो लेवल प्रोड्यूसर बनाया जाए। वहाँ पे हमें प्रोडक्शन का, लाइक आज भी मुझे याद है, ऑलमोस्ट 6 महीने मैंने प्रोडक्शन सीखी होगी वहाँ पे मोस्टली, जहाँ पे हमने सिखाया था। यहाँ पे एक बिगनर लेवल का डॉग कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, बस बता दी, लिटरली बैठ के नहीं बताया कि ऐसे 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 चीजें होती है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं वहाँ जाऊँगा प्रो बन जाऊंगा, डेफिनेटली नहीं होने वाला, आपको खुद की मेहनत तो दिखानी पड़ेगी। बट हाँ, ऑडियो स्कूल में इतना आपको ऑडियो के रिलेटेड पढ़ाया जाएगा, बट म्यूजिक के रिलेटेड इतना नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि वो ऑडियो स्कूल है, म्यूजिक स्कूल है। और वहाँ पे अगर आपको बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना है तो वहाँ पे लाइव साउंड जो सिखाया जाएगा, पोस्ट प्रोडक्शन जो सिखाया जाएगा, मे बी आपको इतना काम ना है, क्योंकि आपको एक अच्छा रैपर बनना है, आपको एक अच्छा सिंगर बनना है, बट वहाँ पे जाके हो सकता है आपके वो पैसे बर्बाद हो जाए, क्योंकि ऐसा हुआ है, बहुत लोगों का हुआ है। मैं वहाँ गया था, उनको बेस्ट सिंगर बनना था, बट वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे कॉलेज से क्योंकि वो चीज़ वहाँ नहीं सिखाई जाती। और वो बस थैंक गॉड मुझे पहले से ही पता था कि मेरा नोन वहाँ पे था कॉलेज में कि ये सब नहीं होगा, बट स्टिल मैं गया था क्योंकि मेरे को फंडामेंटल सीखने थे। म्यूजिक बिजनेस और मार्केटिंग, तो बहुत अच्छा म्यूजिक बनाते हो, दैट्स ग्रेट, बट बहुत अच्छा म्यूजिक बनाते हो कमरे के अंदर, तो कमरे के अंदर ही रहेगा म्यूजिक, और वो बाहर कैसे आता है वो नहीं सिखाया जाता वहाँ पे। वो आपको या तो यूट्यूब से सीखना पड़ेगा, फिर म्यूजिक बिजनेस स्कूल होते हैं, मार्केटिंग स्कूल होते हैं, वहाँ पे सीखना पड़ेगा। वो आपको ऑडियो इंजीनियरिंग के टॉपिक में नहीं सिखाया जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि वहाँ मैं जाके ये सीखूंगा कि व्यूज कैसे मारते हैं, ना, वहाँ जाके ऑडियो के बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे भाई, व्यूज मारना नहीं सिखाया जाएगा। और वहाँ पे जो मैंने एक और पॉइंट देखा कि मोस्टली जो वहाँ टीचर्स थे वो टीचर्स ही थे, वो वहाँ पे पढ़ाते थे, वो इंडस्ट्री में कुछ काम नहीं करते थे, लाइक उनका खुद का कुछ म्यूजिक नहीं था। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल अब हमें तो हम खुद टॉप आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे होते हैं, लाइक हमारे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज जाके देख सकते हो, पोस्ट देख सकते हो, हम किन किन आर्टिस्ट के साथ काम करते रहते हैं और हम कंपनीज के साथ काम करते रहते हैं, सिंगापुर की कंपनी होगी, बांग्लादेशी कंपनी होगी, उनके ऑडियो के प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं और हम बहुत सारे ऑडियो प्रोडक्शन कंपनीज के भी काम करते रहते हैं, लाइक दिल्ली में बहुत सारी ऑडियो प्रोडक्शन कंपनी है जिनके साथ हमने काम करा हुआ, नेक्सा के साथ काम करा, एंड साथ ही साथ हम पढ़ाते भी हैं बिकॉज वी लव टू एक्सप्रेस व्हाट वी हैव। तो आई गेस ये एक बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सामने वाला बंदा भी म्यूजिक इसलिए करने आ रहा है क्योंकि उसको बाद में इंडस्ट्री में जाना है। या तो वहाँ पे 3-4 टीचर हो जो दो प्रॉपर इंडस्ट्री में भी काम करते हो और दो पढ़ाने में हो, बट अगर वहाँ पे ऐसा होगा कि मोस्टली टीचर से पढ़ाते ही इंडस्ट्री में कोई काम ही नहीं करता, तो बताएगा कौन किसी के भी चल के आ रहा है। हमारी टीम है प्रॉपर, तो हम डिस्कवर करते हैं कौन सा नया AI प्लगइन आया, वो हम कोर्स में ऐड करते हैं। तो हमारा हर 2-3 हफ्ते में चीजें अपडेट होती रहती है कोर्स में, हमारा पढ़ाने का स्टाइल तरीका चेंज होता रहता है क्योंकि भाई वर्ल्ड जो है वो स्पीड में भाग रहा है, अगर हम उसी स्पीड से ही लाइक नहीं भागेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। तो AI प्लगइन आ गया, राइट नाउ हम एक ट्रैक बना रहे थे जिस मानक के साथ जिसमें जो मेलेडी है वो AI से बनाई हुई है। और जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि बहुत लोगों को कॉस्टली पड़ता है। बहुत सारे लोग थे वहाँ पे जो स्टूडेंट लोन लेके आए हुए थे, स्टूडेंट लोन अप्रूव हो जाता है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के अंदर फॉल करता है कोर्स। आई गेस बहुत लोगों के साथ वो वर्थ इट नहीं था। मैंने गया लोन लेके वहाँ पे तो मेरे को शायद इतना पिंच नहीं होता, बट बहुत लोगों को वहाँ पे पिंच होता था कि भाई अब हमें लोन पे करना पड़ रहा है और खास तुमने सिखाया नहीं जिससे हम अर्न कर पाए। और यही सारी प्रॉब्लम्स को लेके ना, लाइक जब कार्तिक और मैं कॉलेज में था तब हमने यही प्रॉब्लम्स को ही पकड़ा था और हमने बेसिकली स्टार्ट भी इसलिए करा था कि हम फन करते हैं, ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, एंड लेटर ऑन भी डिस्कवर्ड कि काफी लोग
पढ़ना चाहते हैं हमसे और उनके पास इतने पैसे नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए वो कोर्स पे लगा दें, बट उनको एक गाइडेंस चाहिए, उनको एक मेंटोर चाहिए जो कि उनको दिखा पाए रास्ता कि कैसे वो आगे जा सकता है या फिर कैसे वो अच्छा म्यूजिक बना सकता है और बाद में उस म्यूजिक से अर्न कर सकता है। और हमारे खुद के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि लाइक मुझे अच्छी तरह याद है वो कोर्स में पढ़ते थे और वो यही पूछते थे कि हम पैसे कैसे कमाएंगे, और जब वो अपना पहला स्क्रीनशॉट भेजते थे हमारे पहला प्रोजेक्ट था और हमने इससे पैसे अर्न करे थैंक्स लॉट फॉर योर कोर्स, तो वो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं क्योंकि हम खुद भी क्लाइंट्स खुद भी इंडस्ट्री खुद भी कंपनी साथ काम करते हैं तो हम उनको बता पाते हैं। तो हमारा पेसिला कोर्स का भी मेन पॉइंट ही ये था कि लोगों को अफोर्डेबल हो, लोग ज्वाइन करें, लोग इंडस्ट्री के लोगों के साथ कनेक्ट करें और म्यूजिक की जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो हम फ्री में भी दें, और मेंटोरशिप जो कि ऑफकोर्स हमारा टाइम है, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं वहाँ पे हमें थोड़ी सी तो फीस चार्ज करनी पड़ेगी क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो मैं उसी सेम टाइम को यूज़ करके वर्क कर सकता हूँ, बट वो टाइम निकाल के हम स्पेशली आपके लिए ला रहे हैं। तो जब हमने भी कोर्स स्टार्ट करा था तो हम यही चाहते थे कि सबकी हेल्प हो, एक तो कॉस्ट एफिशिएंट हो, ज़्यादा महंगा ना हो, इंडस्ट्री के इनसाइट्स मिल जाए, और क्योंकि हम भी काफ़ी लोगों के साथ काम करते रहते हैं, काफ़ी नए नए टूल्स डिस्कवर करते रहते हैं, एकदम अप टू डेट रहते हैं, अप टू मार्केट रहते हैं जितना हम कोशिश कर पाते हैं, तो डेफिनेटली हम वो सारी चीज़ें बेसिला पे हम जो भी स्टूडेंट हमारा कोर्स आता है वो ज्वाइन करता है और वो पढ़ता है। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बट एक मेंटोरशिप जो होती है, एक मेंटोरशिप और एक यूट्यूब वीडियो में जमीन आसमान का फर्क है। अगर ये डिफरेंस आप समझते हो, जितने भी स्टूडेंट समझते हैं वो हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं, डेफिनेटली दे आर एबल टू मेक मनी फ्रॉम देयर म्यूजिक अगर वो डेडिकेटेड हैं। तो अब एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं, अगर आप अभी डिस्कवर कर रहे हो, आपको पैसों की इतनी दिक्कत नहीं है और आप चाह रहे हो कि अभी ठीक है ऐसा चल सीन है, कोई प्रेशर नहीं है, तो आई विल सजेस्ट यू जाके डिग्री कोर्स कर लो, बट अगर आप पे अभी प्रेशर है, आपको सीखना भी जल्दी है, तो आई विल सजेस्ट यू कि कोई ना कोई किसी के साथ मेंटोरशिप ले लो, चाहे हमारे साथ लो चाहे किसी और के साथ लो, वो टोटली आपके ऊपर है, बट किसी से मेंटोरशिप ले लो ताकि एक डायरेक्शन मिल जाए और कहीं गलत ना फॉल कर जाए। कहीं चाहते हो कि टाइम से पैसे भी आ जाए, चीजें भी हो जाए, म्यूजिक भी हो जाए, बट अगर वो खुद से करने बैठोगे तो गलती हो भी सकती है, अगर टाइम कम है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप कोर्स ज्वाइन कर लो। तो वी होप गाइस आपको मजा आया होगा, थोड़ा इनसाइट थी, काफी लेंदी वीडियो भी हो सकती है, मैंने लाइक खास स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा था, मैं अपनी स्टोरी बता रहा था जो कि मैंने एक्सपीरियंस करी और जो कि मुझे लगता है बीइंग पार्ट ऑफ बेसिला बीइंग पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, तो वो सारे पॉइंट्स मैंने बताया। पसंद आई है वीडियो, काफी नेचुरल थी, मैंने ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। पसंद आई है तो नीचे होगा लाइक बटन से ठोक दो, और देखो फोन पे मैसेज आ गया, चलता हूं मैं, मम्मी बुला रही है कि मम्मी मारेगी अगर मैं टाइम पे घर नहीं गया तो। बाय।